मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग्स। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है। इसका जो टाइटल है वो ये है कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं भारत के अंदर, वो कनाडा में कैसे आसानी से नवंबर 19, 2022 के बाद में अप्लाई कर सकते हैं और विद फैमिली आ सकते हैं। कनाडा में लगभग 10 लाख और वर्कर्स की जरूरत है और ये जरूरत कंप्लीट करने के लिए सरकार ने काफी उचित कदम उठाए हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको हिंदी में जानकारी देने जा रहा हूं कि जिन लड़के और लड़कियों ने, देखो कनाडा के अंदर लड़के लड़कियों को बराबरी से देखा जाता है, बराबरी तनख्वाह, मोस्टली तनख्वाह मिलती है, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है और उनके पास कम से कम 6 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि वो इन 2 महीनों के अंदर अपना इंग्लिश की जनरल मॉड्यूल का एग्जाम नो लेस देन 5 बैंड के साथ कर लेते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि आपने आईलेट्स ही करना है, क्योंकि ये आपकी इमिग्रेशन के लिए है। आपने विद फैमिली आ सकते हो इफ यू आर मैरिड, तो उसके अंदर आपको 2 काम तुरंत करवा लेने चाहिए। एक तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट होगा तो आप इंग्लिश का एग्जाम दे सकोगे। यदि आप नो लेस देन 5 बैंड उसमें ले लेते हो और 6 महीने का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, यदि आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है तो वो भी एक्सपीरियंस में काउंट हो जा सकती है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा जो लड़के और लड़कियों ने किसी भी सरकारी आईटीआई या प्राइवेट आईटीआई से 2 साल का इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर का कोर्स कर रखा है, उनके पास कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छी बात है, इंग्लिश में ज्यादा बैंड होगी तो अच्छी चीज है। वो अपने 2 डॉक्यूमेंट तुरंत तैयार कर सकते हैं, 2 की बजाय 3, एक पर वैलिड पासपोर्ट, नंबर 2 इंग्लिश जनरल मॉड्यूल का एग्जाम विद नो लेस देन 5 बैंड्स इन जनरल मॉड्यूल, 3रा उनकी ईसीए करवानी बहुत जरूरी है, उनको ये करवा के तैयार रखनी चाहिए। जो 3री कैटेगरी इसमें फॉल करेगी वो है कि जिन लड़कियों, लड़के या लड़कियों ने किसी भी आईटीआई से डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, कार मैकेनिक, वेल्डर, कुक, केयर गिवर, नैनी, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा है, उनको भी इंग्लिश का एग्जाम पास कर लेना चाहिए विद नो लेस देन 5 बैंड्स जनरल मॉड्यूल, कम से कम 6 महीने का उनके पास प्रैक्टिकल तजर्बा होना चाहिए। यदि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो ये 19 नवंबर 2022 को ये प्रोग्राम आ रहा है। देखो स्टार्टिंग में है, लगभग कनाडा को प्रेजेंटली 10 लाख वर्करों की जरूरत है। यदि आप ये कोर्स किए हुए हैं, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो आप फ्री में भी कनाडा आ सकते हो। कनाडा आना बहुत आसान है, ना सिफारिश की जरूरत है, ना पैसे की जरूरत है, ना हेराफेरी की जरूरत है। लेफ्ट साइड आपको कनाडा की सरकार देती है, जिसके ऊपर पूरी जानकारी आप कनाडा के ऑफिशियल वेबसाइट www.cic.gc.ca के ऊपर जाकर ले सकते हो। आपको, क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश भाषा में है या फ्रेंच लैंग्वेज में है,
यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमारा पटियाला पंजाब इंडिया में ऑफिस है जिसका नाम कनेडियन इमिग्रेशन है। वहां पे आप सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक फ्री में मंडे टू फ्राइडे जानकारी ले सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।